यहाँ पर जितने भी सीआईएससी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सभी लोगों के लिए एक ऑफिशियली अपडेट आ गई है। आप लोग जैसे कि देख ही सकते हैं यहाँ पे आईसीएससी के डेट शीट के बारे में यहाँ पे काफ़ी बड़ी बातें सर्कुलेट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे आपके डेट शीट को एनी टाइम रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि किसी भी वक्त यहाँ पे आपके डेट शीट को रिलीज़ किया जा सकता है। सीआईएससी की तरफ से ये सभी बातें साफ तौर पर कन्फर्म की जा रही हैं, क्योंकि जो डेट है आप लोग देख सकते हैं आज की ही डेट है, और यहाँ पे सीआईएससी की तरफ से सबसे पहले आईसीएससी क्लास 10 की डेट शीट रिलीज़ की जाएगी। जी हाँ, यानी कि सबसे पहले आईसीएससी क्लास 10 की डेट शीट आएगी, उसके बाद आईएससी क्लास 12 की डेट शीट को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सीआईएससी की तरफ से आईसीएससी क्लास 10 की डेट शीट को यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे ऑफिशियली बातें बोली गई हैं, जो कि india.com की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। यहाँ पे आपके आईसीएससी क्लास 10 के डेट शीट के बारे में यहाँ पे काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। साफ तौर पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि सीआईएससी की तरफ से आईएससी और आईसीएससी क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के जो डेट शीट्स हैं उनको बाई डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्ड कर दिया गया है, जो कि एनी टाइम अपलोड हो सकती हैं। लेकिन आईसीएससी क्लास 10 की डेट शीट यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे आईसीएससी क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ, आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों को चालू करे रखिए। अगर आप लोग कहीं भी ढिलाई दिखाएंगे तो यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे आपके डेट शीट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बीच में गैप रहेंगे वह 1 से 2 महीने के रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि 22 नवंबर यहाँ पे डेट शीट रिलीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर 22 नवंबर डेट शीट रिलीज़ होगी तो यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके दिसंबर से में कंडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े अपडेट, काफ़ी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसीजर है, जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आप लोगों का कब बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि सीआईएससी हैज प्रपोज्ड होल्डिंग द सेड एग्जामिनेशन टेंटिवली इन फेब्रुवरी एंड मार्च 2023, यानी कि 2022 और 23 के फरवरी से मार्च के महीने के बीच में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को पूरी तरह से कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े रोल साबित करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहां पे साबित करेंगे। तो यहां पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको इन सभी चीज़ों को समझना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब काफ़ी बड़े अपडेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जो यहाँ पे नंबर मेकिंग पॉलिसी है, जो यहाँ पे आपके नंबर्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाना है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कई सारी बातें की जा रही हैं। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे अब से काफ़ी बड़े अपडेट दिए जाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के एकेडमिक सीजन को लेकर आईएससी क्लास 12th एंड आईसीएससी क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ, आपके टाइम टेबल्स को एज सून एज पॉसिबल रिलीज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी आ रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं क्लास 9, क्लास 10th, 11, 12th, आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में प्रूफ के माध्यम से पूरी जानकारी दिखाऊंगा, जिसमें जो एडवाइजरी जारी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे आपके सिलेबस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी चीज़ों को लेकर डिसीजन लिया है कि जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करते हैं, सिलेबस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं, जिसके चलते सिलेबस को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जाए, थोड़ा बहुत अपडेट किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी कि हम चाहते हैं वन नेशन वन सिलेबस कंडक्ट कराया जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, होता क्या था कि किसी का एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड रहता था, किसी का यहाँ पे अलग पैटर्न पर बेस्ड रहता था, जिसके चलते नंबर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे, और यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर का लेवल था वह काफ़ी डिफरेंटली आता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को चलते एक एडवाइजरी जारी करते हुए इन सभी बातों को कन्फर्म किया है,
कि अब से बोर्ड एग्जामिनेशन जिस प्रकार भी कंडक्ट होंगे उनमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसको सेम ही रखा जाएगा। भले ही क्वेश्चंस अलग अलग हों लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एक पैटर्न है उसको यहाँ पे सेम ही रखा जाएगा, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपके सभी एग्जामिनेशन पैटर्न आपके स्कूल बोर्ड में जिस प्रकार से आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे, चाहे हाफ ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे, उसको भी यहाँ पे सरकार के यानी गवर्नमेंट के अंडर में रह ही किया जाएगा, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना दिए हैं अब उसी के कहीं ना कहीं आपको ओबे करना पड़ेगा। जितने भी बोर्ड काउंसिल कमेटीज़ हैं उनको इन सभी चीज़ों को लेके ओबे करना पड़ेगा, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर दिया गया है और बोर्ड एग्जामिनेशन के चलते इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको यह बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज करने के बाद गवर्नमेंट आपके सिलेबस को भी चेंज करने की बातों को मंजूरी देने वाली है। जी हाँ, अब आपके सिलेबस को भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम था जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न, आपके पूरे सिलेबस, यहाँ तक कि पूरे पॉलिसी को ही चेंज कर देंगे। जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसका नाम ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे आपकी जो शिक्षा होती थी, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे, एग्जामिनेशन पैटर्न होते थे, सिलेबस होते थे, पढ़ाई का तरीका होता था, उसको पूरी तरह से रीअपडेट कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों की शुरुआत करते हुए परख स्कीम लॉन्च करने के बाद इसके पहले चरण की शुरुआत कर दी है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से सिलेबस, आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल, न्यू मार्किंग स्कीम, इन सभी को भी धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बोर्ड एग्जामिनेशन में अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाएंगे। क्योंकि क्या होता था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते थे कि हाँ हमको CBSE की तरह नंबर नहीं मिलते हैं, CBSE वाले परेशान रहते थे कि ISSC की तरह नंबर नहीं मिलते हैं। हालांकि ISSC टफेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में शुमार कर दिया गया है, जिसके चलते मानते हैं कि जो एग्जामिनेशन का लेवल है वह काफ़ी हार्ड होता है, बट आपके और हमारे मुताबिक सोचने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से अलग स्टूडेंट सोचते थे, आपको मालूम ही होगा कि CBSE कैंडिडेट की संख्या कितनी है कंपेयर टू CISE, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी बातों का जो यहाँ पे वैल्यू है वह थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है गवर्नमेंट के अनुसार, क्योंकि CBSE एक बड़ा अपना बोर्ड बन चुका है पूरे इंडिया में, जिसके चलते अब बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को एज सून एज पॉसिबल पूरी तरह से अपडेट किया जाना है, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमेटीज इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी बड़ी एडवाइजरी भी जारी करने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके माध्यम से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो सिलेबसेस हैं, साथ ही साथ आपके जो न्यू एंड रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न आधारित होता है, उसके माध्यम से पूरी जानकारियों को यहाँ पे एक प्रकार से कन्फर्म कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से अपडेट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं CBSE ने इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी बड़ी अपडेट भी दे दी है, जिसमें CBSE के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भरद्वाज, उन्होंने यह जानकारी बोला है कि